वेलकम टू डिवाइन केयर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीक बोन के बारे में, कमज़ोर हड्डियाँ जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ में एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस करूँगी एक्यूप्रेशर की हेल्प से। ये जो हमारा सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है, ये हमें वीक बोन के साथ साथ बोन डिफॉर्मिटी, मतलब कि हमारे बॉडी की शेप में कोई चेंज आ रहा है हड्डियों की वजह से, तो उसको भी अलाइन करेगा ये पॉइंट। जिन लोगों को बोन ट्यूबरक्लोसिस हो गई है, बोन की टीबी हो गई है, उन लोगों के लिए भी ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि है क्या वीक बोन्स। तो जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है, हड्डियाँ हमारी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि हड्डियों में छेद, पोरस हो जाती हैं, हमारी हड्डियाँ चौक की तरह हो जाती है कि एकदम से टूट जाती हैं ज़रा सा मुड़ने से या गिरने से। तो ये एक पार्ट हमारा ये हुआ कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा हमने बात किया कि बोन डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी मतलब कि शेप में बोन की चेंज आ जाए, हमारी बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाए, तो ये पॉइंट जो है हमारा ये ट्रीटमेंट उसको भी ठीक करता है। और जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया बोन टीबी, क्या होता है बोन टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हमारी बोन का क्या होता है कि उसमें जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से हमारी बोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, साथ में हमारे जॉइंट्स रिलेटेड इश्यूज़ भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारी इन सभी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करेगा। अब हम कुछ कारण डिस्कस करेंगे कि क्यों हो जाती हैं हमारी बोन्स कमज़ोर, वीक क्यों हो जाती हैं। तो सबसे पहला कारण है इसका हमारा आरामदायक लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, कोई हमारा एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो भी हम किसी व्हीकल से जाते हैं, पैदल चलना भी हमारा बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। दूसरा कारण कि अगर हमारी डाइट में कैल्शियम कम है तो भी हमारी हड्डियाँ वीक होनी शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं, उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। जिन लोगों को थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिनकी थायराइड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, उनको हाइपर या हाइपोथायराइड हो गया है, तभी भी हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। हेरिडिटी भी इसका कारण हो सकती है कि फैमिली में चलते चले आ रहा है कि सभी की वीक हड्डियां हैं, तो आगे भी ये प्रॉब्लम इनहेरिट होती रहती है। या कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है कि कोई मेडिसिन आपको लॉन्ग टर्म लेनी पड़ रही है, उसकी वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी बोन्स वीक हो सकती हैं। तो ये तो हमने कुछ बात की कारणों की। अब हम डिस्कस करेंगे उस ट्रीटमेंट को जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारी बोन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। ये जो पॉइंट है, ये हमारी बॉडी की, पूरी बॉडी की बोन्स जो हैं उनको शेप्ड करता है और उनकी वीकनेस को दूर करता है। इस पॉइंट का नाम है UB12। अब आपको मैं लोकेशन बताऊंगी कि कहाँ पर है ये पॉइंट। ये पॉइंट हमें हाथों में पीछे की तरफ मिलेगा, यांग साइड, थम के नीचे, जो थम का बेस वाला जॉइंट आता है, इसका बिल्कुल सेंटर ले लें, और इस सेंटर से हम पीछे की तरफ एक लाइन अगर विजुलाइज करें तो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल थोड़ा सा इधर की तरफ हमें ये पॉइंट मिलेगा। मैं आपको इसका निशान लगाकर दिखाती हूँ ब्लैक कलर से। ये देखिए, ये पॉइंट है हमारा UB12। ये हमें दोनों हाथों में मिलेगा, हमारे लेफ्ट हैंड में भी, और सेम इसी तरह से हम राइट हैंड में भी इसको ढूंढ सकते हैं। हम इसको प्रोब की हेल्प से 3 से 4 बार सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर देंगे और उसको रिलीज़ करेंगे, राइट, इस तरह से हमारा ये पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर हमें मैग्नेट लगानी है। ये ब्लैक कलर नहीं लगाना है, मैंने आपको लोकेट करने के लिए ये ब्लैक कलर लगाया था। हमें जो इसमें ट्रीटमेंट है, मैग्नेट लगानी है, ब्योल मैग्नेट। हमें इसमें मैग्नेट का येलो वाला पार्ट लगाना है, राइट, स्किन पर टच होगा येलो पार्ट। तो इस तरह से हम वहाँ पर
मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे, सारी रात हम इसको लगा छोड़ देंगे और सुबह इसको हटा देंगे। ये ट्रीटमेंट हमें लंबे टाइम करना होगा क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम को काफ़ी डीपली क्योर करेगा, तो हमें इस पॉइंट को कम से कम 5-6 महीने लगातार लगाना होगा जब तक कि हमें अपनी प्रॉब्लम में एक अच्छा सा चेंज ना दिखाई दे। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स हैं तो आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर नहीं है तो मैंने एक एक्यूप्रेशर किट बनाया है, उसमें उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिसकी कि हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट के दौरान। एक वीडियो भी बनाई है उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस समझाने के लिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और आप अगर किट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप पर जाकर उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, उनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने जानकार लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।